यहाँ जो हेलो मैदान फ्रेंड्स, है मैं हूँ समीर और आप उसको देख रहे हैं नाम समाज की दिया। खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त टीपू सुल्तान के नाम को लेकर हर जगह हंगामा हो रहा है। ये नाम काफ़ी चर्चे में है। ऐसा बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान एक ज़माने में हिंदुओं के खिलाफ थे, इस तरह से बताया जा रहा है हमें, जो कि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है नहीं है। लेकिन मलाड मालवनी के इलाके में टीपू सुल्तान नाम का एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसका बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका खुलकर विरोध किया है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं सुनील कोहली जी का, जिन्होंने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पे प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने कहा है कि ये हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान थे, इसलिए इस नाम से ग्राउंड यहाँ नहीं बनाना चाहिए। जबकि मलाड मालवनी के MLA असलम शेख, जो कि इस वक्त अब पालक मंत्री भी हैं, इनके हाथों आज इसका उद्घाटन होना है और कल इन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने ये भी कहा है अगर नाम अगर वापस नहीं लिया जाता है तो जमकर रोड पर उतरेंगे और हर तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। और इसी के ऊपर आज देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बयान दिया है 2 घंटा पहले कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका विरोध किया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो मलाड मालवनी के सुनील कोहली जी और साथ में देवेंद्र फडणवीस जी का। यहाँ जो मैदान है उसको नाम दिया गया है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के नाम को भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं उसका इस नाम को पूरी तरह विरोध है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक आक्रमणवादी था। टीपू सुल्तान ने हजारों लाखों हिंदुओं की खुलेआम हत्या की है, हजारों सैकड़ों मंदिर उसने तस्त नहस किए हैं, और ऐसे जुल्मी और अत्याचारी टीपू सुल्तान का नाम मलाड में किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा आंदोलन है। साथ ही साथ हमने पुलिस को निवेदन दिया है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन का हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस जो नाम फलक जो आप देख रहे हैं ये अनऑफिशियली लगाया है असलम शेख, यहाँ के जो मंत्री हैं ये हिंदू और मुस्लिम समाज में पूरी तरह दरार पैदा करना चाहते हैं, लोगों में संघर्ष करना चाहते हैं, इसके लिए नाम दिया है। और इसका किसी भी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका में प्रस्ताव पारित नहीं किया है, और इसके लिए पुलिस को आज हमने निवेदन दिया है कि कल इसका जो उद्घाटन होने वाला है उसको आप रोकिए, अन्यथा पूरा हिंदू समाज कल आके फिर से यहाँ संघर्ष करेगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी मालवनी पुलिस स्टेशन की रहेगी। सर, इस मामले में क्या महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र सरकार को भी आप लोग अवगत कराएंगे और क्या मांग रखें उनके सामने? ऑलरेडी हमने महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह अवगत किया है, और ये जो संघर्ष चल रहा है इसमें पूरा महाराष्ट्र का, पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज एक होकर इसका विरोध करेगा। जो टीपू सुल्तान का स्टैचू कर्नाटक के जो है वहाँ उनका उखाड़ के फेंक दिया, तो यहाँ महाराष्ट्र में किस काम का है? ये जो आघाड़ी सरकार जो बनी है, विनाशकाली सरकार बनी है, इसका ये षड्यंत्र है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करके इस तरह के काम करना ये एक काम है, और इसको पूरा हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, अगर इस पे विधायक कह सकते हैं कि मंत्री या कांग्रेस अगर बैक फुट पर नहीं आती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमने कहा है, हमने जो पुलिस को निवेदन दिया है उसमें साफ लिखा है अगर ये कल ओपनिंग करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं, तो हम पूरी तरह इसका विरोध करके रास्ते पे उतरेंगे और यहाँ आके संघर्ष करेंगे। पूरा हिंदू समाज एक होके इसके खिलाफ संघर्ष करेगा। धन्यवाद। भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्व भारतवासियांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। आमचा प्रजासत्ताक, आमचा देश हा सातत्याने प्रगतीकडे जाओ आणि आमची लोकशाही चिरायू हो, अशा प्रकारची या प्रसंगी प्रार्थना देखील करतो। आणि माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात ज्या प्रकारे देश पुढे चाललेला आहे, मला विश्वास आहे की शेवटच्या माणसाचा विचार करणारे हे सरकार या ठिकाणी निश्चितपणे देशाला प्रगतीच्या वेगळ्या सोपानावर घेऊन जाईल। खरं म्हणजे ज्या टीपू सुलतानाने हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टीपू सुलतान आमचा देश गौरव होऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांचं नाव
हे महानगरपालिकेने मैदानाला देणं हे अतिशय अयोग्य आहे। एक प्रकारे अत्याचार करणाऱ्याचं महिमामंडन करण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचा हा जो काही निर्णय आहे तो रद्द केला पाहिजे। किरीट सोमय्यांना नोटीस बजावली, त्या कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली। नाही, मी कालच या संदर्भात सांगितलेलं आहे की या सरकारचं डोकं फिरलेलं आहे। माननीय अण्णा हजारे यांच्या संघर्षानंतर माहितीचा अधिकार हा प्राप्त झाला आणि माहितीच्या अधिकारामध्ये कुठल्याही ऑफिसमध्ये रितसर जाऊन इन्स्पेक्शन करण्याचा अधिकार हा कुठल्याही सामान्य नागरिकाला आहे। तोच अधिकार बजावण्याकरता स्वतः किरीट सोमय्या त्या ठिकाणी गेले होते, ऑफिशियली गेले होते। डॉक्युमेंट्सचं इन्स्पेक्शन करताना खुर्चीवर बसणं हा देखील अधिकार आहे। हे सरकारी ऑफिस आहे, कोणाच्या बापाच्या मालकीचं ऑफिस नाहीये। मी जाणीवपूर्वक बापाच्या मालकीचं ऑफिस नाही असा शब्द वापरतोय, कारण ज्या प्रकारे या ठिकाणी नोटिसेस दिल्या जात आहेत, जणू काही खासगी मालमत्ता आहे अशा प्रकारे या नोटिसेस देण्याचं काम चाललेलं आहे, म्हणून मी इतके कडक शब्द या ठिकाणी वापरतोय। आणि म्हणून किरीट सोमय्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, कोणत्या अधिकारात तुम्ही नोटीस देतात? आणि जे छायाचित्र त्या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेलं आहे ते नेमकं कोणी काढलं हे तिथल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आलेलं आहे आणि ज्यांनी काढलं आहे तेच तक्रारदार आहेत। त्याच्यामुळे ही सगळी मिलीभगत आहे, एकीकडे चोरी करायची आणि त्या संदर्भात जर कोणी उघड करायचा प्रयत्न केला तर त्याला बदनाम करायचं, खपवून घेतलं जाणार नाही।